भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर मंगलवार को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की मूर्ति घर और प्रतिष्ठानों में विराजित की गई। 10 दिनों तक श्री गणेश की आराधना पूजा की जाएगी। इसी के साथ शहर में 200 से अधिक सार्वजनिक पंडालों में मंगल मूर्ति की स्थापना होगी और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। पर्व को लेकर बाजार में उल्लास छाया हुआ है। बप्पा की मूर्तियां खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ रही। भगवान श्री गणेश की विभिन्न स्वरूपों की आकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। 51,000 रुपए से 21,000 तक की मूर्तियां बाजार में उपलब्ध थी। बड़ी मूर्तियां पांडालों में विराजित की गई। दोपहर में शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में गणपति की मूर्ति विराजित कर पूजन आरती की गई। गाजे बाजे के साथ बड़ी मूर्तियों को भक्त पांडालों में विराजित करने के लिए वाहनों में लेकर आए। शहर में 100 से अधिक पांडाल बनाए गए हैं, जिन्हें आकर्षक रूप से सजाया गया है और रोशनी की गई है। यहाँ पर 10 दिनों तक विविध सांस्कृतिक आयोजन होंगे। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर शहर के गणेश मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान की विशेष पूजा की जाएगी। आज सुबह श्री चिंतामन गणेश, मंचामन गणेश सहित अन्य प्राचीन गणेश मंदिरों में भक्तों की बड़ी भीड़ रही। इधर महाकाल मंदिर के समीप बड़ा गणेश मंदिर में सोमवार को गणेश की स्थापना की गई। पुजारियों ने भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। पंडित आनंद शंकर व्यास के अनुसार बड़े गणेश मंदिर में तृतीया युक्त चतुर्थी पर भगवान गणेश का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इधर लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के साथ ही संकल्पित उज्जैन नगर की 350 संस्थाएं मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली कलर से तैयार किए गए गणेश जी पांडाल में विराजित किए गए। संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं सह संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि सुबह में चिमनगंज मंडी से पंजीकृत संस्थाओं को मूर्तियों का वितरण किया गया। गणपति बप्पा जय।